आपने थिंकेबल की मदद से अपना ऐप तो बना ही लिया होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपना ऐप अमेज़न के प्ले स्टोर में फ्री में कैसे पब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जा और लिख दें पब्लिश ऐप अमेज़न स्टोर, और जो आपको सबसे पहली वाली लिंक दिखाई दे रही है वहां पर आप क्लिक करें, और फिर आपको क्लिक करना है जो आपको पेज के पहल राइट हैंड टॉप में दिखाई दे रहा है। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट योर ओन अमेज़न डेवलपर अकाउंट, और फिर आपको डिटेल्स फिल कर देनी है। मैंने पहले से ही यहाँ पे अकाउंट बना रखा है इसलिए मैं जाऊंगा साइन इन पे। यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशंस नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो ओल्ड नोटिफिकेशंस है जो मेरे पास आ रखे हैं। आपको पेज में थोड़ा नीचे जाना है और क्लिक कर देना है ऐड अ न्यू ऐप पे। अपने आप अपना ऐप का आपको चूज करना है कि वो एंड्रॉयड के लिए है, मोबाइल वेब के लिए है, पीसी के लिए है। अभी हम थिंकेबल से बना रहे हैं तो ये एंड्रॉयड के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। ऐप का टाइटल दे देंगे जो भी आप देना चाहें। उसके बाद अगर कोई एसक्यू देना चाहते हैं, ये कंपलसरी नहीं है देना, ये यूनिक नंबर होता है सिर्फ अगर आप कुछ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं अपने ऐप को कभी, तो कोई कैटेगरी चूज कर लीजिए जिसके लिए है, और अपना ईमेल दे दीजिए यहाँ पर। और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करने के बाद आपको अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपने ऐप के बारे में डिटेल्स दे देनी है कि आप सारी कंट्रीज में अवेलेबल होगा या नहीं होगा, कि फ्री है या नहीं है, और इसके बाद यहाँ पे इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना है, और अपने ऐप की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सेट कर देनी है। ये सारी चीजें जब आप फिल कर देंगे तो आप इसे सेव कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो यहाँ पर है इमेजेस एंड मल्टीमीडिया। ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में इमेजेस मांगता है, कोई 512x512 114x114, बहुत सारी इमेजेस डिफरेंट साइजेस की जो जो यहाँ पर लिखी हुई है। 800x480 की हमें तीन इमेजेस चाहिए, तो आप इससे आप ऐसी इमेजेस, अगर आपके पास कोई इमेज है और उसका साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप तो जा सकते हैं। साइज इमेज डॉट नेट पर यहाँ पर जैसे कि हमें चाहिए 114x114 पिक्सल की इमेज, तो आपको कुछ नहीं करना, इस वेबसाइट पे आना है रिसाइज इमेज डॉट नेट पर, अपलोड कर देनी है कोई सी भी एक इमेज। अपलोड होने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर कीप एक्स एस्पेक्ट रेशियो को अनक्लिक कर देना है, और यहाँ पर
जैसे हमें चाहिए यहाँ पर 114 इंटू 114 की इमेज, और उसके बाद नीचे आके कर देना है रिसाइज इमेज। जैसे इमेज रिसाइज हो जाएगी तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद आप उसे अपलोड कर सकते हैं अमेजन के ऐप में। जहाँ जो मैंने इमेज डाउनलोड करी है उसका नाम है web.net resize image 3। अब मैं इसे अपलोड करके देखता हूँ कि ये अपलोड होती है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने गलत साइज की इमेज अपलोड करने की कोशिश करी थी तो यहाँ पर मुझे एरर मिल गई है। तो मैं अपनी इमेज का नाम चेंज कर देता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पर अमेजन। और अब मैं इसे मैं क्योंकि मैंने पिछली बार गलत इमेज अपलोड करी थी तो यहाँ पर मुझे एरर मिल चुकी है। मैं सही इमेज अपलोड करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि जो मैंने इमेज अपलोड करी है वो JPEG की .JPEG उसका एक्सटेंशन है, लेकिन यहाँ पर .PNG एक्सटेंशन होना चाहिए। तो मैं फिर उसी वेबसाइट पर जाऊँगा और जो 6 नंबर का कॉलम है सेलेक्ट द आउटपुट इमेज फॉर्मेट, यहाँ पर PNG में क्लिक कर लूँगा और फिर से इमेज को मैं डाउनलोड कर लूँगा। इमेज का मैं नाम चेंज कर देता हूँ और कर देता हूँ इस बार अमेजन अपलोड। और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब की बार अपलोड करके देखता हूँ कि क्या अपलोड होती है या फिर नहीं। क्योंकि मैंने पिछली बार इस वाली वेबसाइट पर रिसाइज इमेज को प्रेस नहीं किया था तो मेरी इमेज PNG में डाउनलोड नहीं हुई थी। तो मुझे रिसाइज इमेज पर क्लिक करना है, उसके बाद मेरी इमेज PNG फॉर्मेट में हो जाएगी और फिर मुझे उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं इमेज का F2 दबा के। और एंटर दबा दें और उसके बाद इसे अपलोड करें तो ये अपलोड हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इमेज अपलोड हो चुकी है। ऐसे ही आप सारी इमेज एक एक करके अपलोड कर सकते हैं, जितनी भी इमेज यहाँ पर मांगी गई है सारी की सारी। उसके बाद कंटेंट रेटिंग में आने के बाद आपके सामने एक क्वेश्चन क्वेश्चन हेयर आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ऐप के बारे में, आपको उसका सही सही जवाब दे देना है यहाँ पर जैसे कि आपको लगता हो। मोस्ट केसेस में ये सारे नन रहेंगे, नंदन आपको सिलेक्ट कर लेना है मोस्टली केसेस में। अकेडमिक है या नहीं है इस पर भी आप नो कर सकते हैं, अगर आपका ऐप अकेडमिक है तो यस कर सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो जो मांगा गया है आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। मोस्टली केसेस में ये नो रहेगा, लेकिन एडवर्टीजमेंट में यस रहेगा और बाकी सब में नो 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 रहेगा मोस्टली केसेस में। या फिर आप पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं, अगर आपको यस लगता है तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बाइनरी फाइल्स में आपको अपना ऐप अपलोड करना है। यहाँ पर आने के बाद सेव एंड ऐड बाइनरी, जहाँ पर आपने अपना ऐप डाउनलोड कर रखा है उस फोल्डर से यहाँ पर उसे अपलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको बाइनरी अपलोड कर लेनी है अपने ऐप की। मैं यहाँ पर कभी कोई सभी अपलोड कर देता हूँ। हर स्टेप को पढ़ने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर वाला टैब ग्रीन टिक का मार्क दिखा देगा। जब आप सारे ही स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे
तो आपका ये वाला सबमिट ऐप का बटन और आप ऐप अपलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।